हेलो, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ ईश्वर की कृपा से आप स्वस्थ हैं और सुरमय हैं। मैं मंजुश्री, सितार के इस चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए, मैं अपने गुरुजी जो अपने समय काल में आकाशवाणी के एक प्रसिद्ध सितार के कलाकार थे और जिनके पास मैंने 10 वर्षों तक की तालीम ली, स्वर्गीय गुरुजी श्री अरुण कुमार चट्टोपाध्याय जी का स्मरण और नमन करते हुए मैं इस एपिसोड का शुभारंभ कर रही हूँ। बहुत से सितार प्रेमियों विद्यार्थियों के आग्रह के कारण मैंने इस चैनल बनाने का प्रयास किया। अगर उन्हें कुछ लाभ हो सके तो मेरा यह प्रयास सार्थक रहेगा। तो चलिए, आप भी तैयार हो जाइए। तो पहले तो सबसे पहले आपको अपना सितार खरीदना होगा और जिस उसी दुकान में आपको मिजराब भी मिल जाएंगे। इसे मिजराब कहा जाता है, ऐसा जो होता है ना, ये मिजराब है, ठीक है। और इसको पहना ऐसे जाता है। तो पहले मैं आपको सितार का कुछ अंगों के बारे में वर्णन कर देती हूँ। जैसे सितार का ये हुआ तुम्बा, ये कद्दू का होता है, ये लकड़ी का होता है, इसे तबली कहते हैं। यहाँ पर एक पीतल का लगा हुआ है, चाहे लकड़ी का भी होता है, इसको लंगोट कहते हैं। और ये ब्रिज है, घोड़ी, घोड़ी भी कहते हैं। इसी के ऊपर से तार जाकर यहाँ खूंटी में बांधा जाता है, इसको खूंटी कहते हैं। तो सितार में 7 तार होते हैं ऊपर, और नीचे जो है तरफ के तार है, और 19 पर्दे हैं मेरे सितार में। 19 पर्दे हैं, 19 पर्दे के ही सितार ही ज़्यादा प्रचलित हैं, ठीक है। तो इसे पर्दे कहा जाता है। पर्दे के पीछे रेशम की या तांत से बांधा जाता है इसको। और ये है मंका, इससे फाइन ट्यूनिंग होता है। ये दोनों इधर है, दो इधर है, ये हुए मंखे। तो इसको फाइन ट्यूनिंग के लिए ये सब है। और 7 तार को अब हम मिलाएंगे कैसे। पहला तार जो है, ये है पहला तार, इसको बाज का तार कहते हैं, मेन तार यही है, ठीक है। तो इसको दाब कर ही हम उंगलियां से बजाते हैं, बाएं उंगली से। और दूसरी तार जो है वो जोड़ी का तार है, इसे हम मंद्र सप्तक के साथ से मिलाते हैं, ये। और तीसरा तार है, ये पीतल का है, ये पंचम मंद्र सप्तक के पंचम से मिलता है, ठीक है। और उसके बाद चौथे तार है जो मोटा पीतल का है, ये है अति मंद्र सप्तक के सरस से मिलता है। और 5वां नंबर में जो तार है, ये फौलाद का है, स्टील का। तो इसको भी कोई कोई रखते हैं, कोई नहीं भी रखते हैं। तो मेरे सितार में है, तो इसको मैं पंचम से मानती हूँ, पंचम से इसको मिलाया जाए। और अंत में जो है दोनों चिकारी का तार है। तो चिकारी का तार जो है, पहला चिकारी जो है मध्य सप्तक के सरस से, और लास्ट में, अंत में, सबसे अंत में जो है वो तार सप्तक के सरस से मिलता है, ठीक है।
तो आप भी थोड़ा अपना सितार को मिलाने की कोशिश कीजिए। अगर आपके पास कई गुणीजन है तो आपको इसमें मदद कर सकते हैं, लेकिन कोई अगर नहीं है पास में कोई संगीत को समझने वाले, तो आपको तो अपना से ही सुन सुन कर कानों में सुर लाना है और मिलाना है। ठीक है, तो पहले से ही प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। मेरे सितार का आवाज़ सुन रहे हैं ना, इसी में मिलाइए। जैसे सुर का तार है जोड़ी का, इसको इससे मिलाइए अपना सितार में, और उसके बाद खुला छोड़ देने पर ये मध्यम बोलेगा बाज का तार। तो इसको हम पहचाने कैसे, जैसे देखिए, और बैठना ऐसे है, पैर के ऊपर, बाएं पैर के ऊपर सितार को रख दिए और पैर को दाहिने पैर को क्रॉस करके ऐसे रखे, और ऐसे पकड़ना है, जो ऐसे छोड़ देने पर भी सितार गिरेगा नहीं। ठीक है, इसका बैलेंस ऐसा है। और ये अंगूठा जो है ऐसे रखा जाएगा, और मिजरा पहनकर इसको दारा दारा से सामने आएगा दा होगा, पीछे जाएगा रा होगा। ये पंजा जो है ना हिलना चाहिए, स्टिप करके नहीं बजाना है, दा रा, तो ऐसा होना चाहिए। और बाएं हाथ का जो उंगली है, तो उसको पहले मैं बाज के तार को समझा देती हूँ। ये सात पर्दा में जो सातवें नवा पर जो पर्दा है वो है सा, मानेंगे उसे हम 1 2 3 4 5 6 7। सातवें नंबर पर जो पर्दा है ना, उसको हम सा मानेंगे, है ना। और इसको जब खुला हम छोड़कर बजाते हैं तो यही मध्यम मंद्र सप्तक का मध्यम बोलेगा। और तो ये जो सा बोला, इसमें से ही हम जो जोड़ी का तार को मिला लिया, इसको मिला लिए। और ये मंद्र सप्तक का पंचम है, तीसरा तार, और ये है सरज, ये भी सा से है। और ये है पंचम फौलाद का तार, ये पांचवा, और चिकारी है ये, चिकारी दो, सरज सरज, मध्य सप्तक, तार सप्तक। और नीचे जो तार हैं तरफ के, इसके बारे में बाद में हम चर्चा करेंगे। ये इसको रखा जाता है, जो राग हम बजाते हैं ना उसी के स्वर में इसको मिलाया जाता है। ठीक है, तो इतना मिलाने से ही ऊपर का तार मिलाकर आप प्रैक्टिस करें अभी, तो सा जैसे बज गया। थोड़ा ऊपर ही उंगली रखिएगा यार, इस तरह से, और इधर से ही बजाइएगा, मतलब इधर देखना नहीं है, हाँ देखना नहीं है, इधर बस इधर से ही देखना है। इस अंगूठा को ऐसे रखना, और ये हटते रहेगा जैसे जैसे इसको उठाएंगे हम, इस ये अंगूठा भी हटते जाएगा, ना कि एक जगह रख कर ऐसे नहीं चलाएंगे उंगलियाँ। तो इस जैसे सा, ऐसे सा बोला, और ये उंगली का काम है लास्ट में जब जाएगा ना, लास्ट अंत में जो पर्दा आएगा उसी पर इसको धरा जाएगा। जैसे हम जहीं भी जहाँ पर भी रुके उस पर हम इस उंगली को रख देंगे लौटते वक्त। ठीक है, जैसे आप सरगम दिखाते हैं, नोटिस किया, जब सारे गामा पाधा नी तक जब आए हम, तब तक हम इस उंगली को चला रहे थे। उसके बाद जब तार सप्तक में आ गए सरज में, तो इसको हम इसमें रख दिए। ठीक है, और फिर लौटने के वक्त इसी पर सार बोलकर फिर लौट जाएंगे इसी तर्जनी उंगली से, और जहाँ पर से भी हम लौटेंगे इसी उंगली का उस समय व्यवहार होगा। ठीक है, अच्छा सुर के बारे में आज आपको हम बताते हैं। संगीत में सात सुर हैं, सा रे गा मा पा धा नी। ठीक है, मगर इसके अलावा भी और पांच स्वर हैं, जैसे
रे गा मा धा नी, ये पांच स्वर का एक एक और अलग रूप है। जैसे रे गा धा नी है, थोड़ा उस स्वर से नीचे आ जाता है तो उसको कोमल कहते हैं, और मध्यम जो है शुद्ध मध्यम से थोड़ा ऊंचे पर स्थित है इसलिए उसे हम तीव्र मध्यम कहते हैं। ये पांचों स्वर का दो दो रूप है। तो अभी तो हम केवल शुद्ध रूप का ही रियाज करेंगे, उसके बाद हम और प्रैक्टिस हो जाने पर उस समय हम ये कोमल और तीव्र स्वर का बारे में बताएंगे, ठीक है। तो यमन में तो तीव्र स्वर लगते हैं, जब हम आपको यमन सिखाएंगे यमन में तीव्र स्वर का प्रयोग होगा, तो उसके बारे में बाद में चर्चा कर रहे हैं। तो क्या हुआ, सात और पांच मिलाकर कुल संगीत में 12 स्वर हो गए, ठीक है। तो अभी हम सात सुर का प्रैक्टिस करते हैं। सारे गामा पाधा नी, सारे गामा पाधा नी आपको हम दिखाएं, जैसे सा के बाद उसके बाद वाले पर्दे पर ही रे है, उसके बाद एक पर्दा छोड़कर गंधर है, फिर उसके बाद वाले में ही मध्यम है, फिर एक पर्दा छोड़कर पंचम है, फिर उसके पास ही धैवत है और एक को छोड़कर निषाद है, और उसके बाद सरज। अच्छा, ये सरज जो है, ये जो सा है, ये तार सप्तक के सा है, ठीक है। तार सप्तक के सा है, ये सा और ये सा एक ही है, पहले ही समझ लीजिए। जो पहले बिगिनर्स है उनको मन में आता होगा कि सारे गामा पाधा निशा 8 स्वर बोले तो ये कहाँ गया, ऐसा नहीं, इसी का डबल फ्रिक्वेंसी होता है तो ये सा सा आता है। तो एक सप्तक में 7 स्वर, मध्य सप्तक में सास, ये मध्य सप्तक से नी तक सा एक सप्तक हो गया, और फिर यहाँ सा पर आकर दे दिया तो यहाँ से तार सप्तक शुरू हो गया, और इधर जाएगा तो पीछे तरफ जाएंगे तो मंद्र सप्तक शुरू हो जाएगा। ज़्यादातर यही तीनों सप्तक में ही सितार का काम होता है, और अति मंद्र सप्तक में भी कोई कोई आलाप करते हैं उस बाद में बहुत रियाज होने पर, ठीक है। तो ये हो गया सप्तक के बारे में। तो अब हम आपको कुछ लेसन बता देंगे, तो उसको आप 8-10 दिन तक प्रैक्टिस करें। तो चलिए तैयार हो जाइए। ऐसा जा रहा है, ना रा डा रा डा रा, ऐसा जा रहा है, ठीक है। तो ये तो सारे गामा पादे ने से सीधा सीधा गए, सीधा सीधा आए, और अब एक और बताते हैं इसके बाद। ये पहला नंबर हुआ, इसको बहुत प्रैक्टिस कीजिए। इसको प्रैक्टिस करने से हाथ में, हाथ आपका जो उंगलियां है ना अपना जगह पकड़ लेगी, और इस उंगली को ऐसे थोड़ा सा ऐसे रखना है, ना कि ऐसे ऐसे मत रखिए, उसमें आपको मीर खींचने में बाद में जब मीर का काम सीखेंगे ना उस समय आप मीर नहीं खींच पाएंगे इसलिए इसको आपको ऐसे पकड़ना है, थोड़ा सा दाब के ऐसे, थोड़ा ऐसा इवेंट रहेगा ऐसे। तो सारे गामा पाधा नि से सानी धपा मगर इसे, इसको तो बहुत बार प्रैक्टिस कीजिए, और एक सिखा कर दिखा रहे हैं हम। तो ये हो गया सा रे रे गा मा पा ध ध नी सा, सा नी नी धा पा मा ग ग रे सा। इसको आप लिख भी ले सकते हैं क्योंकि बाद में आपको सुविधा होगी। तो पहला हो गया तो सीधा एकदम सारे गामा एक 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 में एक एक बोल बोलते गए, अगर इधर 8 माने उधर 8 माने, 8 8 16 हो गया। ताल के बारे में बाद में बात करेंगे, आज नहीं कहेंगे ताल के बारे में, आजकल ही उंगलियाँ को प्रैक्टिस होगा। तो ऐसे जैसे एक में एक बोल रहे हैं सा, और उसके बाद एक में दो बोलेंगे, एक में दो,
दो हो गया। और एक जैसे इसको आप कर लिए तो इसके बाद सा रे रे गा गा मा मा ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे हो गया। फिर एक में सभी में दो दो करके आप बोल सकते हैं। भी हो गया तो ये तीन चार ऐसे हो गए। अच्छा इसको भी सीख लीजिए। इसमें क्या हुआ? दा दीरी दीरी दा रा दीरी दीरी दा रा हुआ यहाँ पर पंचम पद। लौटने के वक्त मध्यम पर राग हुआ। हो गया? अच्छा अब थोड़ा और बढ़ाते हैं। जैसे इधर मंद सप्तक एक ले लेते हैं, इधर ता सप्तक को एक ले लेते हैं। इधर मंद सप्तक करनी है। अच्छा इधर मंद सप्तक कहाँ तक गया है देखिए। सा नि धा पा मा गा रे सा, ये हो गया सा। सा बोला जोड़ी कतर। तो मैं गाती तो नहीं हूँ लेकिन समझाने के लिए थोड़ा कोशिश करूँगी सरगम। तो ये निषाद को ले लेते हैं संगीत में। सरज ऋषभ गांधार मध्यम पंचम धैवत और निषाद सात स्वर है। तो अब देखिए नी सात को ले लेते हैं। नी हैबत को ले लिए, इधर गांधार को भी ले लिए। तो इसको कैसे बजाएंगे पहले से सुनिए। पहले तो इतने स्पीड में आप नहीं सकेंगे, पहले तो थोड़ा हाथ बैठाना पड़ेगा, लेकिन बाद में ऐसा बजेगा, कोशिश करना है। कोशिश करना है, एक एक इधर इधर दोनों तरफ बढ़ाते जाएंगे। और एक दिखा देते हैं। इसमें क्या हुआ? डा रा डा ऐसा चला इस उंगली, और इधर चला एक एक दो, ये एक ये दो, ये ऐसा आया एक एक दो एक एक दो। और लौटने के बाद दो एक एक, इसको भी आप प्रैक्टिस कर सके तो बहुत अच्छा। अभी एक हफ्ते में, फिर एक हफ्ते के बाद फिर मिलेंगे, ठीक है? तो आप प्रैक्टिस कीजिए और बहुत प्रैक्टिस कीजिए। पहले पहले तो उंगलियों में दर्द होगा थोड़ा, इसमें भी तो उस दर्द को सहन करना पड़ेगा। और कोई कोई विद्यार्थी की पहले दर्द होने से क्या करते हैं, बैंडेज लगा लेते हैं कि कुछ कपड़ा बांध लेते, वैसा नहीं करना चाहिए।
आप चमड़ा में जो ये है ना स्किन है ना, स्किन के ऊपर ही हाथ को उंगलियों को ले जाना हर इसी पर। देखिए बाद में जो ऐसे कड़े पड़ जाएंगे, जैसे मैं ऐसा मेरा हुआ है ना कड़ा, ऐसे कड़ा ऐसा हो जाएगा और इस उंगली में भी ऐसा ही हो जाएगा। तो इसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है, आप प्रैक्टिस करते करते आपको ये पता चलेगा। हाँ, प्रैक्टिस करने से ही धीरे धीरे सुगम होने लगेगा सब। ठीक है, तो आज तो बस इतना तक ही लेसन दिए, इसको आप करते रहिए, बाद में फिर मिलेंगे दूसरे एपिसोड में। ठीक है, तब तक स्वस्थ रहिए और खूब रियाज कीजिए।